नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021 से 22 का आम बजट पेश करेंगी। आइए इससे पहले आपको बताते हैं कि भारत के इतिहास में कौन से बजट ऐतिहासिक रहे और इनमें ऐसा क्या खास था जिनकी वजह से ये बजट आज भी याद किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सन 1947 की। आजाद भारत का पहला बजट पेश किया गया था। देश के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करते हुए 197.39 करोड़ रुपए के कुल व्यय का 46% देश के रक्षा विभाग के लिए जारी किया था। इस बजट को कई मायनों में बुनियादी और दूरगामी परिणामों वाला माना गया था। अब बताते हैं सन 1951, ये गणतांत्रिक भारत का पहला बजट था जिसे जॉन मथाई ने पेश किया था। यह बजट कई दायरों में महत्वपूर्ण था क्योंकि यहां से योजना आयोग की स्थापना का रोडमैप तैयार किया गया था। भारत के तमाम संसाधनों का आकलन करके उनके सर्वोत्तम इस्तेमाल के बारे में पूरी नीति तैयार करने के मकसद से योजना आयोग बनाया जाना था, जिसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब बात करेंगे सन 1968 के बजट की। उस साल मोरारजी देसाई द्वारा पेश किए गए बजट को जनता के बजट के रूप में काफी शोहरत मिली थी। इस बजट में पहली बार सभी उत्पादकों के लिए एक सेल्फ असेसमेंट सिस्टम बनाया गया जिसके जरिए उत्पादों का आकलन किया जा सकता था। इस बजट ने ही स्पाउच अलाउंस को खत्म किया जो पति और पत्नी दोनों ही टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हालांकि इसे इसलिए खत्म किया गया था ताकि शादी जैसी संस्था पर बेवजह कोई तनाव की स्थिति ना रहे। अब बात करेंगे 1991 के बजट की। यह बजट भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे बेहद महत्वपूर्ण बजट को पेश करते हुए कई तरह की नई और अहम व्यवस्थाएं दी थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में आए इस बजट के बाद भारत ने वैश्वीकरण की तरफ कदम बढ़ाए। जब आयात लाइसेंस का सिस्टम खत्म हुआ और निर्यात को बढ़ावा मिला, उदारवादी अर्थव्यवस्था और खुले बाजार का दौर इसी बजट से शुरू हुआ था। चलिए आप बताएंगे आपको 1997 में बजट में क्या खास था। इस बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम का ड्रीम बजट माना गया। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने काले धन के खिलाफ एक स्कीम लॉन्च करके देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बनाने की शुरुआत कर दी थी। इस बजट को आर्थिक सुधारों के बजट के तौर पर इसलिए भी याद किया गया क्योंकि यहां से इनकम टैक्स की दरों को घटाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स से सरचार्ज खत्म करने जैसे कदम उठाए गए थे। अब बात करेंगे सन 2000 के बजट की। भारत का मिलेनियम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इस बजट को भारत के लिए इसलिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यहां से भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी हब के तौर पर उभरने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। इस बजट को आप सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट की शुरुआत होने की व्यवस्था के तौर पर भी याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे 2005 के बजट में क्या खास था। आम आदमी बजट के एक बार फिर पी चिदंबरम ने ये एक और महत्वपूर्ण बजट पेश किया था। इस बजट में एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी को काफी घटाया गया था तो दूसरी तरफ मनरेगा और आरटीआई के संबंध में प्रावधानों को लेकर इस बजट को याद किया जाता रहा है। इस बजट को विश्लेषकों ने असंभव को संभव बनाने वाला करार देकर कहा था कि कम्युनिस्टों और बाजार को एक साथ खुश करने का कारनामा चिदंबरम ने किया था। तो ये थे अब तक के सबसे अच्छे और स्पेशल बजट जिनको आज तक याद किया जाता है। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले बजट से में क्या कुछ खास होता है और क्या कुछ नई चीजें इस बजट में देखने को मिलती हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।